गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं बीकॉम थर्ड ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में हमारा जो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक चल रहा था वो चला था हमारा आंतरिक निरीक्षण, इंटरनल चेक। इंटरनल चेकिंग के कुछ पॉइंट्स इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको कंप्लीट करा दिए हैं, आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे आंतरिक निरीक्षण के दोष। आंतरिक निरीक्षण से क्या क्या दोष होते हैं आज हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम आंतरिक निरीक्षण के बारे में समझ लेते हैं कि आंतरिक निरीक्षण क्या होता है। देखिए, आंतरिक निरीक्षण क्या होता है, एक संस्था में आंतरिक निरीक्षण जो होता है वो श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होता है। श्रम विभाजन का प्रमुख कार्य है कि एक योग्य व्यक्ति को उसके लायक उसके काम को बांट देना। जब एक संस्था में अनेक प्रकार के कर्मचारी होते हैं तो अनेक प्रकार के काम भी होते हैं, है ना। उनको उनके हिसाब से उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी क्वालिटी, उनके अनुभव, उनके ज्ञान के अकॉर्डिंग उनके काम को बांटना। जब संस्था में बहुत सारे ऐसे अकाउंट हो जाते हैं, अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस जो चीज़ें हो जाती हैं, उनको उनकी उनको एक जांच पड़ताल की आवश्यकता होती है कि कितना हमें लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना हमारा व्यय हो रहा है, कितनी हमारी आय हो रही है, कितनी हमारी सैलरी हो रही है। इन सब चीज़ों की जब बात आती है जाँच पड़ताल की, तो आर्थिक निरीक्षण में एक योग्य व्यक्ति को उनके योग मतलब उनके लायक काम को बंटवारा करना, यही सब चीज़ें हमारी आंतरिक निरीक्षण में आती हैं। अब हम देखते हैं आंतरिक निरीक्षण के दो। सबसे पहले है कार्यकाल की दशा। एक ही व्यक्ति को, देखिए क्या होता है, एक ही कर्मचारी को एक ही प्रकार का काम करना पड़ता है। अब जब तक वो काम करेगा तो काम करते 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 उसके काम में से मन हट जाएगा और काम कैसा हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। उसको वो काम बोरे करने लगेगा। शुरू में वो करेगा, बड़ा खुश होकर करेगा, लेकिन बाद में एक ही काम उसको मिलता रहेगा तो उस काम वो काम नीरस हो जाएगा। फिर हमारा दूसरा कर्मचारी की लापरवाही। कर्मचारी की लापरवाही क्या होती है कि कभी कभी ऐसा होता है, देखो जैसे हम बता रहे थे आपको कि ये श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होता है। और श्रम विभाजन का प्रमुख चीज होती है कि उन बंटवारा करना, काम का बंटवारा करना, बांट देना काम को, भैया आप ये काम, ये आप ये काम। तो इनमें कर्मचारी को ये आशा रहती है कि अगर हमारे द्वारा कोई गलती होती है तो दूसरे व्यक्ति के द्वारा सुधार हो जाएगा, है ना। तो कर्मचारियों में लापरवाही बनी रहती है, एक व्यक्ति काम करेगा, दूसरा व्यक्ति उसको सुधार देगा या दूसरा व्यक्ति को सुधारना ही पड़ेगा। तो ये हो गया। फिर हमारे है कर्मचारी की मिलीभगत। इसमें कर्मचारियों की मिलीभगत भी रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि काम को देखते देखते वो लोग वो काम अपना ट्रस्ट से नहीं करते हैं या सही ढंग से नहीं करते हैं, तो कर्मचारियों की मिलीभगत बनी रहती है। चौथा है मालिक में लापरवाही। कभी कभी मालिक जरूरत से ज़्यादा उसको विश्वास करने लगता है। जो इंटरनल चेकिंग की रिपोर्ट होती है, जो कॉलम होता है, वो जरूरत से ज़्यादा ट्रस्ट करने लगता है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। तो मालिक में लापरवाही हो जाती है। अंकेक्षक में लापरवाही रहती है। अंकेक्षक भी जब अंकेक्षक करता है वो बता दिए इनका इंटरनल चेकिंग हो गया, मतलब हमें मोस्ट मोस्ट चीज़ें देखनी है, बाकी के लोगों ने जांच पड़ताल कर ही लिया, तो अंकेक्षक में भी लापरवाही बनी रहती है। फिर है आप व्यक्ति भाई, जब आपके इंटरनल चेकिंग का काम आता है तो सारे कर्मचारी इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। तो ये जबरदस्ती में खर्चा होता है, लॉस होता है ना, तो आवृत्ति भी हो जाती है। फिर नेक्स्ट है केवल बड़े ही व्यापार के लिए उपयोगी, और इंटरनल चेकिंग केवल बड़े व्यापार के लिए उपयोगी होती है, छोटे व्यापार के लिए अनुपयोगी या ना के बराबर ही होती है। देखो क्या होता है, छोटे छोटे जो व्यवसाय होते हैं वो इंटरनल चेकिंग को नहीं करते हैं, उनके लिए क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है, बहुत ज़्यादा खर्च उठाना पड़ता है, इसीलिए ये केवल बड़े व्यापार के लिए उपयोगी होती है, छोटे व्यापार के लिए इसका कोई भी यूज नहीं होता है। एक बार और हम देख लेते हैं आंतरिक निरीक्षण के दोष में, सबसे पहले कार्य का नीरस होना, नेक्स्ट है हमारा कर्मचारियों में लापरवाही, फिर नेक्स्ट है कर्मचारी की मिली भगत होती है, पहले हमारा मालिक में लापरवाही, फिर आंतरिक्षण में लापरवाही, नेक्स्ट मितव्ययी केवल बड़े व्यापार के लिए उपयोगी। साथ ही आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को जो डे बाई डे टॉपिक्स वाइज टॉपिक्स वीडियोज तैयार की जा रही है, आप लोगों ने नोट्स तैयार कर लेना है जिससे आपको परीक्षा के समय में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आप लोग नोट कर लें, इसके बाद मैं आपको